मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाख मदीनतुल मुनव्वरा के दीदार का सवाल करते हैं। आका, आज हम भी इस महफिल पाक में आए हैं, इस दर्द के साथ आए हैं कि कबूलियत हो जाए और मदीने की मंजूरी मिल जाए। बस यही कहते हैं, यक शब तुरा महमा कुनम, ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम, हमा कुनम हमी कुनम, कसेरा नबा शदी खबर। और कह रहे हैं, ए ताज कच कुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल जारे उस्मा, चश्मे करम खुदारा। और पीर फरीद रोते रोते कह गए, यार सिपाहीरा आवस मानड़े कोल, हिक लखने दी नू लखने सा। फरमाते हिक लखने दी नू लखने सा, सही हिक वारी चा बोल। और फिर पीर फरीद मदीने जाना चाहते हैं। आला हजरत मदीने पहुंचे ना तो सामने जाली मुबारक है, अर्ज करते हैं, बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, वो सूए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर जामी भी रो रो के कहने लगा, सगत राकाश जामी नाम बूदे, के आमत पर जुबानत गाहे गाहे, मेरे आका अगर मदीने में आने की मंजूरी नहीं देते ना तो इतना करम कर दीजिए कि मदीना की गलियों में फिरने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी रख दीजिए, आप जामी जामी करके बुलाएंगे, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। पीर फरीद कहता है, जब मदीने पहुंचे ना तो रो रो के कहने लगे, तोड़े थिकड़े धोड़े खादड़िया, तेरे नाम तो मुफ्त में कादड़िया, तेरे बांधिया दी मैं बांधड़िया, तेरे दर्दे कुतिया नाल अदब। फिर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी जब मदीने पहुंचे, हुजूर की जाली पाक के सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू का सैलाब है और रो रो के कहते हैं, असानल सावल अलेसो के कहना, ओए कौन अगले पलेसो के कहना, तो आधी सदी जा ते दर दर मरी जा, तो आधी सदी जा ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बच पलेसो के कहना, मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ, मुठी नू निगाही पलेसो के कहना। शेख अबुल मुआली है, मुरीद पहुंचा है, सही मदीने जा रहा हूं, कोई नसीहत तो कर दो। फरमा बाबू मदीने के कुत्ते का भी अदब कर देना। मुरीद मदीने पहुंचा है, हर कोई हाजिरी दे के वापस आता है मगर वो हाजिरी दे के उल्टे कदम चलता है। मुरीद उल्टे कदम चल रहा है मदीना की गलियों में, कि शेख ने कहा था मदीने के कुत्तों का भी अदब कर देना, हत्ता के उल्टे कदम चलने की वजह से कुत्ता कदमों के नीचे आया है, कुत्ते की भी धार निकली है, मुरीद की भी धार निकली है। शेख का फरमान याद आ गया है, शेख ने तो कहा था मदीने के कुत्तों का भी अदब कर देना, ये क्या हो गया, सारी रात रोते रहे, कुत्ते के पीछे भागे मगर कुत्ता भाग गया। 6 महीने तक शर्मिंदगी की वजह से शेख की बारगाह में हाजिरी न दे सके, 6 महीने के बाद जब हाजिर हुए तो शेख ने कहा, मदीने के कुत्तों का अदब किया था, आंखों से आंसू के सैलाब मंडाए, कहने लगे, अदब की कोशिश तो बड़ी की थी मगर एक कुत्ता मेरे कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया था, जब से वो जख्मी हुआ उस दिन से मेरा दिल जख्मी हो गया। मुरीद ने जब कहा, शेख की धार निकली, शेख अबुल माली ने कहा, कुत्ते पे जख्म कहां थे, अर्ज की कुत्ते की पश्त पर थे। फरमा मदीना की गलियों में फिरने वाले अगर कुत्ते के जख्म अगर आज तुम्हें नजर आ जाए तो जख्मों को पहचान लोगे, सही जरूर पहचान लेंगे। शेख ने कहा, फिर मेरी पश्त से कपड़ा उतार। जब मुरीद ने शेख की पश्त से कपड़ा उतारा,
مجید کی تان نکل گئی جو زخموں کے نشان مدینے میں دیکھے تھے وہ زخموں کے نشان شہر کی پشت میں دیکھے آقا بس یہی کہتے ہیں ان قرآن کے صدقے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بس یہی عرض کرتے ہیں میرے آقا دنم فسو دنجا بارا زہجرہ یا رسول اللہ زمہجوری برامت جانے عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم تو پھر عرض کرتے ہیں جسوے من گزر آری منی مسکین زناداری فدائے نقش نالے نچ کنم جا یا رسول اللہ اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں آقا عاشق رات گزارتے ہیں دن گزارتے ہیں اسی ایک تصور میں کہ کیڑا وقت ملن نہ ہو سی ڈھول اسدے ویڑ ہے اس کیڑا وقت ملن نہ ہو سی ڈھول اسدے ویڑے اوسی رنج ہجر دے سخت ستایوں اکھیاں رو میں دل کو لاوے دلڑی جھکدی تندر پاوے رات نہ آرام نہ آوے نکنو ہاتھ دے بار اٹھایوں ملسم یار فرید کناہی دودھ دکھاواں کٹ کٹ آہ میں مبارک باد دیتا ہوں اہل علاقہ کو کہ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ نے ساری زندگی اس علاقے کی خدمت کی اور اس کا ثمرہ اللہ رب العزت نے ان کو یوں عطا کیا کہ ان کے دونوں صاحبزادے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کے منصب تدریس پر بیٹھ کر اس وقت وہ تدریس فرما رہے ہیں اور ان کی روح فرحت میں اپنے معراج پر ہے جب یہ زینت القراء قاری عبد الصمد صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سچ پوچھئے تو ان کے چہرے میں مجھے قاری صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے اللہ رب العزت اس نوجوان کو عمر دراز عطا فرمائے عمر خضری نصیب فرمائے اللہ رب العزت دار العلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے